हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर द चैप्टर दैट्स नेम इज़ ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कम माई हेयर। अब यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग प्रोग्राम लिखा हुआ है, मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स ग्रैंड पेरेंट। आप जो ग्रैंड पेरेंट वर्ड लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इसको कैपिटल और रेड कलर में लिखा है। यू मे यूज़ द लेटर्स इन एनी ऑर्डर। आप इसमें लेटर्स का किसी भी ऑर्डर किसी भी क्रम में रख के आपको एक वर्ड बनाना है। जो ये रेक्टेंगल शेप बनाया गया है उस वर्ड को इसमें पुट करना है। जैसे लिखा है वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। आर ई एन टी, देखिए ये आर ई एन टी वर्ड जो है ये ग्रैंड पेरेंट्स में है तो इसमें से लेकर के बनाया गया। रेंट मीन्स क्या होता है, किराया। तो आगे हम देखते हैं ऐसे ही इसी लेटर से ग्रैंड पेरेंट से हम लेटर को पिक करते हैं और पिक करके हम न्यू वर्ड क्या करते हैं बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आर ए टी रैट, रैट मीन्स चूहा। नेक्स्ट है एंड, एंड मीन्स और। नेक्स्ट है डार्ट, ठीक है। डार्ट के बाद क्या है नेक्स्ट, नर्ड। अब इसमें हम आपको डार्ट और नर्ड को डिक्शनरी से खोजने में आपको दे दे रहा हूँ, काफ़ी से डिक्शनरी से खोजिए और ख़ुद पता करिए कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है ईयर्स, नेक्स्ट ग्रैंड, नेक्स्ट है स्टार। तो इस तरीके से वर्ड हमने इसी ग्रैंड पेरेंट वर्ड से हमने क्या किया, पिक किया लेटर्स को और किसी भी ऑर्डर में इसको पुट करके एक नया वर्ड हमने क्या किया बना दिया। अब हम आगे देखते हैं। लिखा सम टाइम वी रिप्लेस द नेम ऑफ पीपल, कभी कभी हम क्या करते हैं लोगों के नाम को रिप्लेस करते हैं विद अनदर वर्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम, लोगों का नाम रिपीट करने के बजाय। तो हम जब दूसरे वर्ड से जिस जो वर्ड रिप्लेस करता है उसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। लिखा है रिप्लेस द नेम्स इन द सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब ये बॉक्स में सारे जितने रेड कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे प्रोनाउन हैं और हमें इसे क्या करना है, रिप्लेस करना है नेम के अकॉर्डिंग। जैसा जेंडर होगा, अगर जेंडर मेल है पुरुष है तो उसके लिए ही, अगर स्त्री है तो सी, अगर वो निर्जीव है नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है मीना इज़ प्लेइंग विद अ डॉल, मीना एक डॉल से खेल रही है। अब मीना क्या है, गर्ल्स है तो जेंडर क्या हुआ, फीमेल हुआ। तो फीमेल के लिए हम क्या लिखेंगे, सी। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स लिखा है इसमें हम लिख देंगे सी इज ए गर्ल, तो यहाँ पे हम सी फिल करेंगे। नीचे राम इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री, तो राम मेल है और मेल के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं और राम को रिप्लेस करके हम राम का, राम को पुनः हम ऐसे भी कह सकते हैं राम इज ए बॉय, लेकिन राम को हम रिपीट नहीं करेंगे, उसके जगह पे हम दूसरा वर्ड प्रोनाउन लाएंगे और वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही इज ए बॉय। अब लिखा है डोंट ईट दैट मैंगो, वह आम मत खाओ। अब लिखा है मैंगो इज़ नॉट राइप, यानी आम पका नहीं है। तो आम को हम फिर दोबारा न लिखते हुए, इसको ये नॉन लिविंग थिंग्स है इसके लिए हम फिर क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट राइप, यह पका नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये कर दिया कि यहाँ पे नेम को रिपीट विदाउट रिपीटिंग हमें इन प्लेस ऑफ दैट वर्ड हमने उसको रिप्लेस करके प्रोनाउन का क्या किया, यूज किया। नेक्स्ट है लिखा कि लेट अस राइट, आइए हम क्या करते हैं लिखते हैं। सपोज यू गो टू स्टे विद योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ वीक, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक हफ्ते एक सप्ताह के लिए स्टे करने जा रहे हैं, ठहरने जा रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू, जो आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं, फॉर देम उनके साथ, जो अपने साथ आप कैरी करेंगे ले जाएंगे आवश्यक चीज़ें, कि एक सप्ताह के लिए हमें वो कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है जो हमें ले जाना है। लिखा है डू नॉट फॉरगेट, आप भूलिए मत, टू डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए एन आर द बिफोर ईच थिंग, यानी जो भी आप आइटम लिखेंगे उससे पहले हमें ए एन या द का प्रयोग करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे क्या ले जाएंगे, ए टूथब्रश, नेक्स्ट क्या है ए सोप, एक साबुन ले जाएंगे, एक टॉवेल, ए सूटकेस, ए हैंडबैग, नेक्स्ट ए बुक, नेक्स्ट क्या है ए गिफ्ट, ए वाटर बॉटल, ए साड़ी फॉर ग्रैंडमा, ग्रैंडमा के लिए हम एक साड़ी ले जाएंगे, और क्या है द टिकट। इस तरीके से हमने ये आइटम के नाम बना लिए कि हम क्या क्या ले जाएंगे एक सप्ताह में जब हम ठहरेंगे तो वहाँ पे कौन कौन से आइटम ले जाएंगे। नेक्स्ट है
आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है, आप इसे होमवर्क में करेंगे। फन टाइम, मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक थैंक यू कार्ड बनाना है, और थैंक यू कार्ड कैसे बनाना है ये पूरा डिटेल्स बुक में दिया गया है, तो आप उसको एक बार रीड करिए, और रीड करने के बाद आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए थैंक यू कार्ड बनाइए, और उस पर कुछ उनके उनके लिए कुछ वर्ड्स क्या कीजिए, मेंशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।